हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम एंड लूथरा क्लासेस। माय नेम इज़ बारका मिर्जा एंड आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी थर्ड टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, एंड आई होप आज के क्वेश्चंस के थ्रू आपको मोटिवेशन जो टॉपिक है वो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दीज आर आर सेलेक्शंस ऑफ रमन सी ए रमन लूथरा क्लासेस। सेबी ग्रेड ए के कुछ सेलेक्शन है, आई एफ एस सी ए के ग्रेड ए 2023 के कुछ सेलेक्शन हैं एंड पी एफ आर डी ए ग्रेड ए 2022 के कुछ सेलेक्शन हैं ऑफ रमन सी ए रमन लूथरा क्लासेस। एंड नाउ दे आर दी ऑफिसर्स ऑफ दिस बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने हमारे स्टडी नोट्स को, हमारे मॉड्यूल वाइज कोर्सेज को, टेस्ट को फॉलो किया, क्लासेस को फॉलो किया। बहुत सारी सी ए रमन लूथरा सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इन लोगों को। एंड नाउ दे आर दी ऑफिसर्स। मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कमेंट करके मुझे पूछो या फिर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी गाइस। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन सेज एम सी ग्रेगर्स थियरी ऑफ मोटिवेशन इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। स्टेटमेंट टू सेज Herzberg suggested the use of motivators to avoid dissatisfaction. Which of these options are correct? Only one, only two, both one and two are correct, या फिर both one and two are incorrect? कौन सा जो option है वो correct है? अगर हम motivation topic की बात करते हैं guys, तो यहाँ पे theories given है, I hope आप सब लोगों को पता है and आप लोगों को जानकारी भी होगी theories के बारे में। चलो, जब हम एम सी ग्रेगर थ्योरी की बात करते हैं तो उन्होंने दो थ्योरीज दी थी एंड इन दोनों थ्योरीज में उन्होंने अलग अलग एजम्पशंस की थी, है ना। अब इन्होंने दो थ्योरीज कौन सी दी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, है ना। थ्योरी एक्स में उन्होंने अज्यूम किया था कि वो वर्कर्स, कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, उन्हें डंडे के जोर पर काम कराया जाता है, उनके ऊपर कैरेट एंड स्टिक अप्रोच किया जाता है, लगाया जाता है, तब जाके वो लोग काम करते हैं, उनको रिवॉर्ड्स मिलता है। ये अजम्पशन है थियोरी एक्स की ऑफ मैकग्रेगर्स। ठीक है, थियोरी वाई सेज कि वो कुछ ऐसे वर्कर्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, दैट इज थियोरी वाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। मैकग्रेगर्स थियोरी ऑफ मोटिवेशन इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। अब इन दोनों एजम्पशंस को देखकर, अलग अलग एजम्पशंस को देखकर आपको ह्यूमन बिहेवियर का पता चलता है कि नहीं। चलो, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। हर्ज़बर्ग सजेस्टेड द यूज ऑफ मोटिवेटर्स टू अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्यों भाई? जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, जब हम मोटिवेटर्स की बात करते हैं तो यहां पे क्या आ जाता है, सेटिस्फैक्शन को हम क्या कहते हैं। हर्ज़बर्ग ने दो फैक्टर्स दिया था, उन्होंने दो फैक्टर्स के बारे में बताया था, एक मोटिवेटर फैक्टर्स और दूसरा हाइजीन फैक्टर्स, है ना, दूसरा हाइजीन फैक्टर। जब हम मोटिवेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन की बात आती है। सेटिस्फैक्शन का ओपोजिट क्या हो जाएगा, नो सेटिस्फैक्शन, नो सेटिस्फैक्शन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हाइजीन फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स में क्या आ जाता है, डिससेटिस्फैक्शन का नो डिससेटिस्फैक्शन, है ना। मोटिवेशन में क्या आ जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, मोटिवेशन में आ जाता है अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, रिकॉग्निशन के बारे में हम बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, ये हो गया हमारा मोटिवेटर, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट हाइजीन फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स क्या आ जाती है, हमारी सैलरीज आ जाती है, कंपनी की कुछ पॉलिसीज हो जाती है, वर्किंग कंडीशन, जहां पे आप काम कर रहे हो वहां का वर्किंग कंडीशन कैसा है, अच्छा है कि नहीं, सिक्योरिटी क्या है, सुपरविजन है, तो दीज आर दी हाइजीन फैक्टर्स। तो हर्ज़बर्ग का कहना है हाइजीन फैक्टर्स अगर कंपनी में है तो वर्कर्स विल बी, देयर विल बी नो डिससेटिस्फैक्शन, है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइजीन फैक्टर्स की वजह से ही इंप्लॉय सेटिस्फाइड हो, वो तब सेटिस्फाइड होंगे जब वहां पे मोटिवेशन फैक्टर्स होगा, मोटिवेटर्स होंगे। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइस, दैट इज ए,
वन ओनली इज करेक्ट. ओके चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच. ईजी है, अगर आपको थियोरीज और उसके ऑथर्स के बारे में पता है तो आप इजीली आंसर दे सकते हो. मैकलेंस ईआरजी थियोरी, बी स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थियोरी, सी व्रूम इक्विटी थियोरी, लॉकिस एक्सपेक्टेंसी थियोरी या फिर एडल्फर्ट्स इक्विटी थियोरी. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, दैट इज रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाई बी एफ स्किनर. इनका फुल नेम क्या है, बी एफ स्किनर. इन्होंने रीइंफोर्समेंट थियोरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, है ना. मैकलेंस की बात करते हैं तो उन्होंने ईआरजी थ्योरी नहीं दी थी, उन्होंने बात की थी अचीवमेंट के बारे में, एफिलिएशन एंड पावर. अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर, दिस इज इनकरेक्ट. व्रूम्स की क्या हो जाती है, नॉट इक्विटी थ्योरी, यहां पे व्रूम्स की आ जाती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. एक्सपेक्टेंसी थियोरी, उन्होंने एक्सपेक्टेंसी थियोरी दी थी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वैलेंस के बारे में बात की थी, है ना. जब हम एडल्फर्ट्स की बात करते हैं तो उन्होंने ईआरजी थियोरी दी थी, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे क्वेश्चन के बारे में. ओके देन इक्विटी थियोरी जो है इट इज गिवन बाय एडम, जॉन स्टैकी एडम्स इक्विटी थियोरी. देन हमने व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थियोरी के बारे में बात कर ली. ओके एक्सपेक्टेंसी थियोरी किसने दी थी, व्रूम ने. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज स्किनर ने दी थी रीइंफोर्स इन करेक्ट मैच, दैट इज बी, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टू स्टेटमेंट्स. यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है. पहला स्टेटमेंट सेज सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू द बिलीफ ऑफ वन हैज इन वंस एबिलिटीज टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली. सेकेंड स्टेटमेंट सेज एडम्स इक्विटी थियोरी कॉल्स फॉर अ फेयर बैलेंस टू बी स्टक बिटवीन एन एम्प्लॉयज इनपुट एंड आउटपुट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. Only one is correct, only two is correct, C both one and two are correct, या फिर D both one and two are incorrect. When we talk about self efficacy basically क्या हो जाता है, अपने ऊपर भरोसा रखना, है ना. तो self efficacy refers to the belief one has in one's ability to complete a task. अगर मुझे अपने ऊपर full भरोसा है कि मैं कोई भी टास्क को इजिली कर लूंगी, सक्सेसफुल भी रहूंगी, दैट इज सेल्फ एफिकेसी. तो सेल्फ एफिकेसी, तो ये जो डेफिनेशन है वो वेरी करेक्ट, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट एडम्स इक्विटी थियोरी, एडम्स इक्विटी थियोरी क्या कहता है कि एम्प्लॉयज का अगर वो जितना इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फेयर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको आउटपुट दिया जा रहा है, ठीक है. तो एडम की इक्विटी थ्योरी यही क्या कहती है कि इक्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, वहां पे एक फेयर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए कि जो बंदा जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे पेमेंट या रेम्यूनरेशन या सैलरी मिलनी चाहिए या रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए. तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयज या एक ही डिपार्टमेंट में इंप्लॉयज को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ सेम काम वो भी बंदा कर रहा है बट मुझे उसका कम आउटपुट मिल रहा है, जितना इनपुट मैं दे रहा हूँ मुझे उतना ही मिल रहा है बट सेम काम दूसरा बंदा कर रहा है और उसका आउटपुट उसे ज़्यादा मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज सी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट. ओके गाइस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने, शेयर करते रहिए, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा एंड ईजली आप क्लियर भी रहोगे सारी थ्योरीज के बारे में, है ना. ओके नेक्स्ट. डैश डिस्क्राइब्स व्हेन वर्कर्स आर ट्रीटेड एज ह्यूमंस रादर देन मशीन्स दे टेक एक्शंस टू देयर पर्टिकुलर वर्क सिचुएशंस इन अ कंस्ट्रक्टिव वे बाय इंक्रीजिंग इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी. इसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी थियोरी, बिहेवियर थियोरी, रेनफोर्समेंट थियोरी, प्रोसेस थियोरी या फिर ई नन ऑफ द अबव. एक ऐसी थियोरी जहां पे वर्कर्स को मशीन ट्रीट नहीं किया, मशीन के जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है, दे आर ह्यूमंस, दे टेक एक्शंस टू देयर पर्टिकुलर वर्क सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वो एक्शंस अपने एक्शंस को अपने एक्शन के थ्रू वो काम करते हैं, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा एक्शन वो लेते हैं.
बाय इंक्रीजिंग द इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी. तो इसे हम क्या कहते हैं, डैश डिस्क्राइब्स व्हेन वर्कर्स आर ट्रीटेड एज ह्यूमंस रादर देन मशीन्स, दे टेक एक्शंस टू देयर पर्टिकुलर वर्क सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो काम कर रहे हैं इन अ कंस्ट्रक्टिव वे बाय इंक्रीजिंग इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी. इट इज कॉल्ड बिहेवियरल थियरी, है ना. अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर हमें ये पता चलता है कि बंदा काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्क अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं सिचुएशन के हिसाब से. इक्विटी थियोरी क्या हो जाती है गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है, फेयर रेम्यूनरेट, मतलब फेयर इक्वली ट्रीटमेंट सबको दिया जा रहा है, ठीक है. देन रीइन्फोर्समेंट थियोरी, रीइन्फोर्समेंट थियोरी बेसिकली डील्स विद द कॉन्सिक्वेंसेस, ये कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर डील करती हैं. मान लो अगर हमारे एक्शंस जो हैं, अगर हमारे एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस अगर पॉजिटिव रहा तो वी विल टेक दैट एक्शन, ठीक है. एंड अगर हमारे एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस अगर नेगेटिव रहा तो हम उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे. बेसिकली हम कह सकते हैं इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, ये हमें सिखाता है कि कौन सा काम कैसे करना चाहिए, किस काम से हमें क्या होगा या नहीं होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, दैट इज रीइन्फोर्समेंट थियरी, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस थियरी, व्हाट इज प्रोसेस थियरी, प्रोसेस थियरी बेसिकली डील्स विद द हाउ पार्ट ऑफ मोटिवेशन, हाउ पार्ट ऑफ मोटिवेशन, ये डिस्क्राइब करती है हाउ अ ह्यूमन बिहेवियर इज एनर्जाइज्ड, डायरेक्टेड एंड सस्टेन्ड. एंड यहाँ पे हमें तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है, दैट इज व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड द थर्ड फैक्टर इज वेलेंस. दीज ऑल कम्स अंडर प्रोसेस थ्योरी, ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज, दैट इज बिहेवियरल थ्योरी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. ओके, डैश थियरी ऑफ मोटिवेशन इग्नोर्स द इनर स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉन्सेंट्रेट सोलली ऑन वॉट हैपन्स ही और शी टेक्स सम एक्शन. इक्विटी, एक्सपेक्टेंसी, गोल सेटिंग, री इन्फोर्समेंट या फिर ई, नन ऑफ द अबव. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिसाइड किया कि अगर आपके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो पॉजिटिव रहे तो हम उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे, अगर हमारे एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव रहेंगे तो हम उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे. यस, दैट इज री इन्फोर्समेंट थियोरी ऑफ मोटिवेशन. ये हमारे इनर पार्ट को नहीं देखता है कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं, इससे क्या होगा, हमें हानि होगा या लाभ होगा या क्या होगा, वो हमें नहीं देख रहे हैं, बट हमारे एक्शंस के ऊपर उनका नजर है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है, दैट इज री इन्फोर्समेंट थियोरी. इसका करेक्ट ऑप्शन है री इन्फोर्समेंट. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन सेज वेलेंस मेजर्स द एक्सटेंस टू विच एन इंडिविजुअल बिलीव्स दैट द मैनेजर या फिर ऑर्गेनाइजेशन विल डिलीवर द रिवॉर्ड दैट वेयर प्रोमिस्ड. सेकेंड स्टेटमेंट सेज द थ्री की एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन आर इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, बी, सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट या फिर डी, बोथ वन एंड टू आर इनकरेक्ट. अगर पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे वेलेंस का डेफिनेशन आपको दे दिया गया है. जब हम वेलेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थियोरीज आ जाती है. उन्होंने तीन फैक्टर्स डिफाइन किए थे, है ना. तीन फैक्टर्स क्या क्या है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड द थर्ड वन इज वेलेंस. तो वेलेंस का ये डेफिनेशन जो है वो इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेलेंस. यहां पे इंस्ट्रूमेंटैलिटी को डिफाइन किया गया है, द सेकंड फैक्टर, इंस्ट्रूमेंटैलिटी को डिफाइन किया गया, बेसिकली परफॉर्मेंस का आउटकम क्या होगा, परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड्स और नॉट, है ना. तो ये जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, वो तो इनकरेक्ट है गाइस. अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द थ्री की एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन आर इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस, वेरी ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर हम मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं तो मोटिवेशन के जो तीन बेसिक एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स है, दैट इज इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, दैट इज बी टू ओनली,
है ना? ओके सी, व्रूम ने तीन फैक्टर्स को डिफाइन किया था। व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थियोरी में हमने देखा है, एक्सपेक्टेंसी के बारे में उन्होंने बात की थी, दैट इज एफर्ट्स परफॉर्म्ड। कि ज्यादा एफर्ट आप लगाओगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कैन आई हिट माई टारगेट इफ आई वर्क हार्ड? अगर हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और हमें रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर आउटकम है ये एफर्ट परफॉर्मेंस बेसिकली से। इंस्ट्रूमेंटैलिटी डिफाइंस कि हमारा परफॉर्मेंस जो हमने दिया है उसका आउटकम क्या होने वाला है। परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड्स, है ना? एंड वेलेंस मींस आपका वैल्यू एडिशन, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसकी वैल्यू है कि नहीं, दैट मींस रिवॉर्ड। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको ग्रेड्स मिलेंगे, फेम मिलेगा, मनी मिलेगी, दैट इज रिवॉर्ड्स। डू आई फाइंड द रिवॉर्ड्स डिजायरेबल? वैल्यू एडिशन यहाँ पे हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर, उनके काम के ऊपर उसकी वैल्यू है कि नहीं है। तो व्रूम्स की ये एक्सपेक्टेंसी थियोरी थ्री मेन एलिमेंट्स फैक्टर्स उन्होंने डिफाइन किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट टू। पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, दैट टॉक्स अबाउट इंस्ट्रूमेंटैलिटी द सेकेंड फैक्टर ऑफ व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ थियोरी ऑफ मोटिवेशन दैट इज कंसर्न्ड विद द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रिक्ट मोटिवेशन इज टर्म्ड एज डैश। नीड हायरार्की थियोरी, टू फैक्टर थियोरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थियोरी, सेल्फ एफिकेसी थियोरी या फिर ई नन ऑफ द अबव। एक ऐसी थियोरी जहां पे आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है एंड इट कैन बी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रिक्ट extrinsic motivation, it is termed as need hierarchy, two factors, self determination theory या फिर self efficacy theory। okay, the correct option is self determination theory। यहाँ पे दो चीज़ों को डिफाइन किया गया है, दैट इज इंस्ट्रिंक्ट मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन। इंस्ट्रिंक्ट मोटिवेशन बेसिकली क्या हो जाता है गाइस, कि जो काम हम इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, कोई हमें प्रेशराइज नहीं कर रहा है, हम इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, खूब इंजॉय करके काम कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं एंड अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फुल हम मेहनत कर रहे हैं, दैट इज इंस्ट्रिंक्ट मोटिवेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड एक्सटर्नल सोर्सेज से, है ना? मान लो कि हमें इसका ये काम अगर हम करेंगे तो हमें इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा या फिर ग्रेड्स मिलेंगे या फिर इंसेंटिव्स मिलेगा या फिर हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है। सो दीज आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है वो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है गाइस, सेल्फ डिटर्मिनेशन थियोरी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, मान लो एग्जाम्पल हम डांस की लेते हैं। डांस जो है मुझे बहुत पसंद है ना? मैं डांस क्लासेस, मतलब मैं डांस सिखाती हूँ। बट अभी मुझे एक कहीं से मतलब ऐसा आया है ऑर्डर कि आपको डांस सिखाना है। ठीक है, डांस अगर मैं कर रही हूँ फुल इंजॉयमेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ, तो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मैं खुद अपने इंटरेस्ट के साथ, इंजॉयमेंट के साथ मैं कर रही हूँ वो डांस। बट जब मुझे बोला गया है कि आपको कुछ बच्चों को डांस सिखाना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक, एक ये हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है। क्यों? अगर मैंने डांस बच्चों को नहीं सिखाया, अगर वो बच्चे नहीं सीख पाए डांस, तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है, एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है ऑफ मोटिवेशन। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो ये जो चीज़ है, दोनों, जब पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, को हम क्या कहेंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन थियोरी। ओके, चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्लेटन एडलफोर्ड्स ईआरजी मॉडल कंडेंस्ड मैस्लोस थियोरी ऑफ नीड्स इनटू थ्री कैटेगरीज। व्हाट डू यू मीन बाय ईआरजी? वेदर इट्स ए एक्सपेक्टेंसी रिलेटेडनेस ग्रोथ, बी एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ, सी एग्जिस्टेंस रिस्पॉन्सिवनेस ग्रोथ, डी एक्सपेक्टेंसी रिस्पॉन्सिवनेस ग्रोथ या फिर ई नन ऑफ द अबव। आई होप ये आंसर आप लोगों को पता होगा।
यस इट्स बी एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. चलिए मैं आपको बताती हूँ. अगर मैस्लोस की नीड थ्योरी आप लोगों को पता है, उन्होंने 5 नीड्स को डिस्कस किया था, 5 नीड्स को उन्होंने डिस्कस किया था, है ना, विच गोज फ्रॉम लो टू हाई. उन्होंने 5 नीड्स को डिस्कस किया था व्हेन वी टॉक अबाउट मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, है ना. वो नीड्स क्या क्या हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ इस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, है ना. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आ जाता है आपका? फूड, शेल्टर, एयर, वाटर, ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं आपकी वो आ जाती हैं. सेफ्टी नीड्स में आपका आ जाता है बेसिकली जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे स्टेइंग इन अ सेफ प्लेस और नॉट, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, मेडिकल मेडिकेशंस वहाँ की ठीक है कि नहीं, या बेसिकली इंश्योरेंस है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें आ जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ्टी, दैट इज सेकेंड नीड. थर्ड नीड उसके ऊपर आ जाता है, दैट इज सोशल नीड्स. सोशल नीड्स बेसिकली डील्स विद लव एंड अफेक्शन. आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका लोगों के साथ अफेक्शन कैसा है, ठीक है, प्यार से होना चाहिए, दैट इज सोशल नीड्स. देन कम्स सेल्फ इस्टीम नीड्स. सेल्फ इस्टीम नीड्स आ जाती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, थ्रू अचीवमेंट्स. मतलब आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, कंपनी को बहुत फायदा हुआ है आपके काम से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अचीवमेंट दिया जा रहा है, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज सेल्फ इस्टीम नीड. एंड लास्ट वन वी हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बेसिकली डील्स विद द पर्सनल ग्रोथ, मतलब पीयर एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनल ग्रोथ एडवांसमेंट हो रही है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो ये जो 5 नीड्स हैं ये मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, विच गोज फ्रॉम लो टू हाई, है ना. यहाँ पे एडल्फोर्ड ने अपनी इन 5 नीड्स को उन्होंने 3 नीड्स में कन्वर्ट कर दिया है. दीज नीड्स आर एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ एडल्फोर्ड ने, है ना. उसी को मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं, जिन्हें हम 5 नीड्स कहते हैं, है ना. अब एडल्फोर्ड ने क्या कहा है, उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ इस्टीम को एक, मतलब आप एक साथ इस नीड्स को परफॉर्म मतलब कर सकते हो, आपकी नीड फुलफिल हो सकती है. वन ये हो गया आपका वन. देन उन्होंने कर दिया सेल्फ इस्टीम एंड सोशल नीड्स, आप एक साथ कंप्लीट कर सकते हो. एंड द लास्ट वन वी हैव सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये नीड्स आप एक साथ काम कर आपकी नीड्स फुलफिल हो सकती है. एंड यहाँ पे अगर आप डिफरेंस बिटवीन देखो, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो नीड्स है वो फ्रॉम लो टू हाई, आप नीचे से ऊपर आपकी नीड्स फुलफिल होगा तो बहुत अच्छी बात है. बट यहाँ पे एडल्फोर्ड ने क्या कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप नीचे से ही ऊपर जाओ, आपकी नीड्स को फुलफिल करो. आप अपने नीड्स को एक टाइम में 2 नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हो. आप अपनी, फॉर एग्जांपल, आप अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेल्फ इस्टीम नीड्स, या फिर सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, या फिर सेफ्टी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस नीड्स को मतलब जंप भी कर सकते हो, आपकी नीड्स फुलफिल हो सकती है. तो ये किसकी किसने कहा है? एडल्फोर्ड ने अपनी थियोरी में उन्होंने 3 चीज़ें डिफाइन करी, इस 5 जो नीड्स को है उन्होंने 3 चीज़ों में, 3 नीड्स में कन्वर्ट कर दिया अपनी थियोरी में. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिलेटेडनेस, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. ओके, चलो नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ. ओके, हैकमैन एंड ओल्डहैम्स 1974 जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल सजेस्ट दैट 5 कोर जॉब डायमेंशन इफेक्ट सर्टेन पर्सनल एंड वर्क रिलेटेड आउटकम्स इंक्लूडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 डायमेंशन. इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो इन 5 डायमेंशन में नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन. ये इंफॉर्मेशन किसने दी थी? हैकमैन एंड ओल्डहैम्स. ओके, ये कोई 5 चीजें हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करती हैं. इनमें से कौन सी ऐसी जो आउटकम है वो नहीं हमें देखने को मिल रहा है? क्या होगा? स्किल वैरायटी, ऑटोनॉमी, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, फीडबैक, या फिर ई टास्क आइडेंटिटी. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस, दैट इज सी, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी. टास्क कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट वन ऑफ द 5 डायमेंशंस व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन. ओके, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या हो जाता है? टास्क सिग्निफिकेंस.
टास्क सिग्निफिकेंस, उन्होंने स्किल वैरायटी के बारे में बात की। अगर हम स्किल वैरायटी के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जो टास्क मिलता है वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में हो तो वर्कर्स क्या करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। डिफरेंट वैरायटीज की टास्क अगर उन्हें करने को मिले तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं, वो टास्क वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ऑटोनॉमी मीन्स क्या हो जाता है कि जो टास्क उन्हें फुल इंडिपेंडेंट के साथ करने को मिले, फुल फ्रीडम के साथ, ठीक है, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या हो जाता है गाइस, कि जो टास्क वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, तभी लोग जो हैं अच्छे से टास्क को परफॉर्म करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, तभी वो गोल्स को अचीव करने के लिए अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन कम्स फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स वो ये भी चाहते हैं कि जब वर्कर्स काम करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इम्प्लॉयज जब काम करें तो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर उन्हें टाइमली फीडबैक दी जाए, ठीक है, टाइम टू टाइम उनको फीडबैक दी जाए, दैट इज फीडबैक। एंड टास्क आइडेंटिटी क्या हो जाता है कि जो टास्क आपको ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया है वो क्लियर एंड कंफर्ट होनी चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए कि आपको ये करना है, ये करना चाहिए है, ये करना है, मतलब फुल क्लैरिटी चाहिए। सो दीज आर दी फाइव हम कह सकते हैं आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, स्किल वैरायटी, ऑटोनॉमी, टास्क सिग्निफिकेंस या कॉम्प्लेक्सिटी, फीडबैक एंड टास्क आइडेंटिटी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to the theory, the employees are managed by punishments and strict control. This type of motivational process can only work in the environment whereby the work is repetitive in nature and promotions are not frequent. ये कब हो जाता है, जब workers मतलब interest के साथ काम नहीं करते, मतलब एक ही काम उनसे बार बार करवाया जाता है and उनकी promotions, उनकी मतलब वो भले ही अच्छा काम कर रहे हो but उनकी promotions नहीं होती है frequently. तो इस चीज को हम क्या करते हैं, मतलब डंडे के जोर पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच उन पर अपनाया जाता है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, यस ऑफ कोर्स दैट इज थियोरी एक्स। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया कि थियोरी एक्स में क्या डिस्कस किया गया है, बेसिकली मैकग्रेगर ने दो थियोरीज दिए थे, थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई, उनका एजम्पशंस दोनों थियोरी में अलग अलग है, कि एक में क्या है कि वर्कर्स कैरेट एंड स्टिक अप्रोच पेपर काम करते हैं, मतलब डंडे के जोर पर काम करते हैं तभी उनको रिवॉर्ड्स मिलता है, एंड थियोरी वाई सेज कि जो वर्कर्स फुल एंजॉयमेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, है ना, दैट इज थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, थियोरी एक्स। री इन्फोर्समेंट थियोरी हमने डिस्कस की, बिहेवियरल कंटेंट सब हमने डिस्कस कर ली है। देन दीज नीड्स इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट्स, सेल्फ स्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट थ्रू पर्सनल अचीवमेंट्स, through respect and appreciation from others. Managers should motivate their subordinates by giving those awards and appreciation certificate for their achievements. What are the social needs, safety needs, physical needs, esteem needs या फिर self-actualization need? कौन सी ऐसी need है जिसमें हमें self-respect, हमें appreciation, हमें rewards, awards मिलने चाहिए, and managers को अपने subordinates से अच्छे से behave, appreciate, मतलब managers जो अपने employees को अच्छे से appreciation देना चाहिए, certificate provide करना चाहिए for their achievements. Yes, of course, that is D. Esteem needs. ये मैस्लो की 5 needs है जो यहाँ पर define किया गया है, and ये जो इसका जो correct option है वो esteem needs है. चलिए, last but not the least. Human wants are not definite and they change according to consequences. A work may be satisfied in present situation, but due to his changed needs, he may not be satisfied in future. इसको हम क्या कहेंगे? Pervasive function, continuous process, physiological process, complex and unpredictable, positive or negative. जरूरी नहीं है अभी जो मैं काम कर रही हूँ अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, अपने काम को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर जो भी है, बट आगे ऐसे हो सकता है कि मेरी नीड्स जो है वो चेंज भी हो सकती है, आगे मेरी जो डिजायर्स है, जो नीड्स है वो बढ़ने लगे, मुझे और भी पैसे चाहिए अपने काम के लिए, जो मैं काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे ग्रोथ चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, यस दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। हम समझ नहीं सकते अभी हम क्या, हमारा बिहेवियर क्या है, आगे चल के हमारी नीड्स जो है वो और बढ़ जाए फ्यूचर में, जिससे हम अभी तो सेटिस्फाइड है बट हो सकता है फ्यूचर में हम अभी के काम को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, अभी के जो हमारी सैलरी जॉब में जो भी मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है,
दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल. आगे क्या होगा हमें नहीं पता, हमारे नीड्स बढ़ते भी और ह्यूमन नीड्स कभी भी फुलफिल नहीं की जा सकती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल. ओके ओके गाइज, थैंक यू एवरी वन. आई होप आपको आज की क्लास जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी. क्वेश्चंस भी जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस में लेकर आई थी आप लोगों के लिए. एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इससे और कुछ डीप आपको नहीं पूछा जाएगा फॉर श्योर. एंड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डू कमेंट, आप कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी. सो डू लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड शेयर करते रहिए. सो थैंक यू एवरी वन. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज लीडरशिप. ओके सो बाय बाय.